2017 के बाद दरियाबाद विधानसभा एक पूरी तरीके से उपेक्षित विधानसभा के रूप में लोग जानते थे। कई पूर्वे मजरे ऐसे थे जो वर्षों पुरानी मांग थी कि हमारे गांव सड़क से जुड़े, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज दरियाबाद विधानसभा के सैकड़ों गाँव को हमने सड़क से कनेक्ट करने का काम किया है। और आज क्षेत्रवासी इस बात को महसूस करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो गांव के हित में, गरीबों के हित में, किसानों के हित में निरंतर काम कर रही है। कई आधा दर्जन ऐसे पुल थे, पुलिया थी, जिनको एक बरसों पुरानी मांग थी, चाहे वो गोमती नदी पर सिल्हौर के पुल की मांग रही हो, चाहे रारी नदी पर सुहासा घाट के पुल की मांग रही हो, चाहे कल्याणी पर सदेमा घाट के पुल की मांग रही हो। ये सारे कार्य आज योगी जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं। आम जनता में इस बात का हर्ष है कि पिछले 30 वर्ष पुरानी मांग जो जनहित की थी, सरकारों की उपेक्षा के कारण नहीं हो पाई थी, आज योगी जी के नेतृत्व में पूरी हुई है। आम जनता आज इस बात को एहसास कर रही है और पूरी तरीके से आज योगी जी के साथ खड़ी है। आज़ादी आज़ादी करते हैं, विकास की ये जो संज्ञा देते हैं वो कहीं करेक्ट है। और बताएं आपको, ये विकास क्या जानते हैं आप? टिकैत नगर चले जाइए, आप पूछ लीजिए है कि टिकैत नगर रामसन ही घाट जो है वो चौड़ीकरण सड़क की गई 36 करोड़ से, ऐसे ही 27 करोड़ के लगभग से टिकैत नगर से भैलसर की गई है। तीसरी करीब 7-8 करोड़ से आपके वहाँ पे कोटवा सड़क से कोटवा धाम की गई जी। ये तो बड़ी सड़कें हैं जो पिछले 5 साल में हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी उपेक्षित रही, लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद दरियाबाद विकासखंड और पूरे डलई विकासखंड दोनों में एक एक इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। इसके साथ ही जो हमारे बच्चों के समग्र विकास के लिए हमने ग्राम सनही घाट में स्टेडियम का निर्माण 4 करोड़ लागत से शिलान्यास कराकर उसको जल्द ही हम पूरा करा रहे हैं। इसके साथ साथ चाहे नगर पंचायत टिकैत नगर, नगर पंचायत राम सनही घाट को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की बात हो, चाहे राम सनही घाट में बस अड्डा कराने की बात हो, तमाम ऐसे सैकड़ों कार्य जो जन आकांक्षाएँ थी उनको हमने इस सरकार में पूरा करने का काम किया है। ये विकास क्या जानते हैं आप, उनसे सवाल कीजिए के एजुकेशन में क्या किया। पहले बनवाया गया कस्बाई चौली में माइनॉरिटी के लिए इंटर कॉलेज गर्ल्स, दूसरा बनाया गया पंसारा में माइनॉरिटी का इंटर कॉलेज, तीसरा बन के तैयार है, चल रहा है डिग्री कॉलेज हसौर का। किसका विकास कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, हैं अपना कर रहे हैं। आज़ादी के बाद लगभग 400 ऐसे गांव थे 2017 से पहले कि जहाँ के लोग लंबे समय से बिजली की मांग कर रहे थे कि हमारे गांव में बिजली आए, लेकिन सरकारों के उपेक्षापूर्ण जो माहौल था, जो उनके मन में सबका साथ सबका विकास की भावना नहीं थी, उसके कारण गाँव में बिजली नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन आदरणीय मोदी और योगी जी के नेतृत्व में आज दरियाबाद विधानसभा का कोई ऐसा पुरवा मजरा नहीं है कि जहां पर हमने बिजली पहुंचाने का काम न किया हो। इसके साथ साथ दरियाबाद में और इसके सराज दनौली में दो जगह पर हमने सब स्टेशन बनवाकर मतलब कि जो बिजली है उसको जो है लोगों तक पहुँच सके उसके लिए काम किया है। और आने वाले समय में कई और पावर स्टेशन का हमने प्रस्तावित किया है और वो भी जल्द बनकर आम जनता को समर्पित होंगे और बिजली व्यवस्था को और सुधार करने का हम काम कर सकेंगे। उनकी विधायकी है, जो बोले वही सत्य। जब आप क्षेत्र में चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए, पावर स्टेशन राम से नहीं घाट के पास में बना, आप खुद देख लीजिए, पूछ लीजिए किस गवर्नमेंट में बना। दूसरा पावर स्टेशन आपके दरियाबाद के बगल में मथुरा नगर में बनाया गया, बना। तीसरा पावर स्टेशन का
सारा पैसा आ गया था, सब सराय दुनौली बन के तैयार हो गया, बजट उसका सब बजट वगैरह पास हो गया।